शहर की नोहर रोड पर स्थित जनता अस्पताल में गत 22 जनवरी से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सैकड़ों मरीजों के नेत्रों की निःशुल्क जांच की गई है। उनमें से ऑपरेशन योग्य पाए जाने वाले मरीजों के लिए आज ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्य राय सिंह भांबू ने किया। इस अवसर पर नगरपालिका के चेयरमैन रविंद्र कुमार लड्ढा, शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक अरोड़ा, श्री शिव नंदीशाला के संचालक रूपराम जयपाल, जनता अस्पताल के संचालक डॉक्टर एनआर सिद्ध, अस्पताल के मैनेजर महावीर शर्मा, इंद्रजीत कथूरिया, मोहन थेपड़ा व अन्य कई गणमान्य जन भी उपस्थित थे। इस शिविर में नेत्र विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर आर एस कारगवाल ने 15 जरूरतमंद गरीब मरीजों के नेत्रों का निःशुल्क ऑपरेशन किया। वहीं आयोजक संस्था की ओर से सभी मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की गई। इस अवसर पर नेत्र विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर आर एस कारगवाल ने बताया कि करीब 50 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति की आंखों में सफेद मोतियां बनना शुरू हो जाता है। कई बार अज्ञानता और धन के अभाव में व्यक्ति सफेद मोतिया का इलाज नहीं करवा पाता और उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है, लेकिन अब सफेद मोतिया का इलाज बहुत ही आसान हो गया है और इसका ऑपरेशन भी लगभग सफल रहता है। इस ऑपरेशन में फेको पद्धति से मरीज की आंखों से सफेद मोतिया निकालकर वहां बढ़िया क्वालिटी का लेंस लगा देते हैं। इस ऑपरेशन के 2-4 घंटे के बाद ही मरीज को छुट्टी मिल जाती है और वह अपना दैनिक कामकाज शुरू कर सकता है। इस प्रकार से नेत्र ज्योति मिलते ही मरीज को एक नया जीवन मिल जाता है, जो कि बहुत ही पुण्य का कार्य है। हाँ डॉक्टर साहब, आज का ये जो कैंप लग रहा है, इसमें किस तरह के मरीजों को आप देख रहे हैं, किस तरह के मरीजों की आंखों के जो ऑपरेशन किया जा रहा है? इसमें देखो, समाज के जो गरीब आदमी है, सफेद मोतिया के कारण आज भी बहुत बड़ा मतलब अंधापन का कारण बन रहा है हिंदुस्तान में। सफेद मोतिया लगभग 50-60 से उम्र के बाद में बनना स्टार्ट हो जाता है ज्यादातर, और गरीब आदमी बेचारे को पता ही नहीं चलता कि मेरे सफेद मोतिया बन गया और उसकी नजर चली जाती है। वो पैसे के अभाव में, कहीं पर जानकारी के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते। तो जनता हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नासिद ने ये अच्छा प्रयास किया है कि यहाँ जो वंचित समाज के लोग हैं, जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, उनको लेके आ रहे हैं, उन तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं, उनको यहाँ लाके फ्री इलाज भी करवा रहे हैं। आजकल वैसे सफेद मोतिया का ऑपरेशन है ना, बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही सक्सेस रेट है इसकी ऑपरेशन की। दुनिया में अगर ऑपरेशन में सबसे ज्यादा सक्सेस माने तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन की है। इसमें ना तो आजकल हम चीरा लगाते हैं, ना ही टांका लगाते हैं। फेको पत्ती से होता है, तो बहुत छोटा सा एक इंसिजन लगाते हैं 2 mm से 2.8 mm का, और उसी के माध्यम से सारा वो मोतियाबंद पिघला के निकाल लेते हैं बाहर, और उसी छोटे से छेद से ही हम लेंस, फोल्डेबल लेंस होता है, डाल देते हैं, और पेशेंट को मात्र 2-4 घंटे बाद में ही दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अनारसिद का बहुत ही अच्छा प्रयास है यह जनता अस्पताल में, ताकि जो गरीब आदमी बेचारा, उसको दूसरी नज़र मिल जाए तो एक बार उसका तो दूसरा जन्म ही हो जाता है एक तरह से। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है या कुछ इसमें कुछ? बिल्कुल जी, आज जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी सेवा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अनासिद जी ने भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई लेंस के पैसा नहीं है, कोई दवाइयां जो भी लग रही है उनका पैसा नहीं है। ऐसे कितने पेशेंट है जी आज? जो आज करीब 15 पेशेंट है जिनका हम सफेद मोतिया को ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो ये भविष्य में भी जारी रहेगा? बिल्कुल जी। जनता अस्पताल के संचालक डॉक्टर एनआर सिद्ध ने बताया कि जनता वेलफेयर ट्रस्ट के सहयोग से जनता अस्पताल में आम लोगों का इलाज सस्ते दरों पर किया जा रहा है। वे समय समय पर कैंप लगाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों का इलाज निःशुल्क भी कर रहे हैं। वेलफेयर ट्रस्ट का एक ही मंत्र है कि पैसों के अभाव में कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे, इसलिए भविष्य में भी उनका ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जनता वेलफेयर ट्रस्ट के सहयोग से जो हमारा ये हॉस्पिटल 20 सालों से चल रहा है, इसमें जो भी मौजूदा जो टीम है उनके प्रयास और जनता वेलफेयर ट्रस्ट के जो हनुमान प्रसाद जी अग्रवाल है, राय सिंह जी बांबू है, उनके सहयोग से हमें ये जो आई का हमने जनता हॉस्पिटल में स्टार्ट किया है सिस्टम, इसमें 22 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक जांच बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, और उसमें उस कैंप के दौरान जो गरीब मरीज है, जो बीपीएल परिवार से नीचे है, देखे गए उन मरीजों का ऑपरेशन बिल्कुल फ्री किया जाएगा। ये ऐसे प्रकार के ऑपरेशन आंखों के या जनरल सर्जरी के ऑपरेशन हमारे महीने करते रहेंगे, जिसमें मतलब ऐसा कोई मरीज ना हो गरीब जो पैसे के अभाव में इलाज ना कर सके। ट्रस्ट का मेन मंत्र ये रहेगा, अभी हम यहाँ पे कम पैसे में इलाज हो और अच्छा इलाज हो, अच्छे डॉक्टरों की सेवा हो,
तो हमारा ट्रस्ट का, वेलफेयर ट्रस्ट का यही एक अनुरोध है कि अच्छे लोगों का अच्छा इलाज मिले। भविष्य में भी इस तरह का ये जारी रहेगा या? भविष्य में ये कैंप हर महीने लगभग हम एक कैंप जारी रखेंगे जिसमें हर महीने में 10 से 20 ऑपरेशन का ये कैंप फ्री रहे। अच्छा, इस हॉस्पिटल में केवल आंखों का ही इलाज फ्री होता है, कोई और भी तरह के आप कैंप लगाते हैं उनका इलाज? नहीं, इससे पहले हमारा डिलीवरी का था 5100 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी का था जिसमें दवाइयां और सारा कुछ फ्री था। ऐसा ही हमारा और अन्य ऑपरेशन जनरल सर्जन जो डॉक्टर ओपी माइच है, डॉक्टर हनूर कौर है, तो उनका भी हमारा रहता है, जिस पेशेंट के पास पैसे नहीं है उसका हम इलाज के लिए जैसे भी पॉसिबिलिटी बनती है सारा करते हैं। जनता अस्पताल में कार्यरत सर्जन डॉक्टर हरनूर कौर ने बताया कि उनके अस्पताल में कई अन्य बीमारियों के भी कैंप समय समय पर लगाए जा रहे हैं और भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे। जनता अस्पताल में 22 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक आंखों का फ्री चेकअप कैंप चल रहा है, जिसके अंदर बीपीए परिवारों के कई ऑपरेशन फ्री हो चुके हैं और आज कई और ऑपरेशन हम फ्री कर रहे हैं। उम्मीद है आगे भी यही करते रहेंगे। और डॉक्टर कारकवाल के अंडर पेशेंट जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट करे जा रहे हैं। केवल आंखों का ही इलाज कर रहे हैं, कुछ और भी? जी, अभी तो आंखों का मोतियाबिंद का इलाज और रिलेटेड जो और समस्याएं हैं उनकी दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं और अदरवाइज यहां पे सर्जरी सारी हो रही हैं। 2 सर्जन अवेलेबल हैं और किसी भी टाइम किसी भी तरह की इमरजेंसी, कोई भी गांठें, कोई स्तन की गांठें, कोई पित्ते की पथरी और कोई पथरियाँ, बच्चेदानी की गांठें, ये सब का ऑपरेशन चल रहा है और रोज ऑपरेशन हो रहे हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं कि कम कीमत पे हो रहे हैं? इसके भी कैंप हो रहे हैं, कैंप हमने पहले भी लगाए हैं और अब आगे भी कैंप लगाने का, बवासीर वगैरह का कैंप लगाने का हमारा मन है और बाकी कम कॉस्ट पे पेशेंट के हिसाब से हम काफी सर्विसेज दे रहे हैं और आगे देना चाहते हैं।